हेलो एवरीवन, हाय, मेरा नाम है शाइन पर्ल एंड वेलकम बैक टू माय चैनल वंस अगेन। थैंक यू सो मच फॉर लविंग माय वीडियो कंटेंट्स। और यू नो, मुझे बहुत सारे कमेंट्स ऐसे आते हैं कि दी, जब भी आपका वीडियो आता है तो हम लोगों की वाइब्रेशंस हाई हो जाती है। फिर कुछ लोग कहते हैं कि दी, आपके वीडियो का ही मैं मैं इंतज़ार कर रही थी और मेरा ये मैनिफेस्टेशन पूरा हो गया है। तो कंग्रेचुलेशंस टू ईच एंड एवरी वन जिनके भी मैनिफेस्टेशंस पूरे हो रहे हैं। हम लोग ये जो वीडियो मैं बनाती हूँ वो रीज़न ही ये है कि आप लोग मैनिफेस्ट कर सको चीज़ों को, अपनी लाइफ को बेहतर कर सको और डिज़ायर्ड फुल लाइफ जी सको, है ना। क्योंकि मेरी भी जर्नी वही है जो आपकी जर्नी है। हम लोग सब एक दूसरे से सीख रहे हैं, हम लोग अपने वाइब्रेशंस हाई रखने के लिए कोशिश कर रहे हैं कि एक दूसरे से हमेशा कनेक्टेड रहे। तो ये यूट्यूब ही है। आई मस्ट से कि आई रियली पे ग्रेट ग्रैटिट्यूड टू यूट्यूब। आई एम सो ग्रेटफुल टू यूट्यूब कि इस प्लेटफॉर्म की वजह से आज मैं आप सभी लोगों से कनेक्ट कर पाती हूँ। और जब भी मैं वीडियो बनाती हूँ ना, मैं वीडियो बनाने का भी मेरा एक कारण यही है। मुझे ऐसा लगता है कि क्योंकि जब भी मैं कोई वीडियो बनाती हूँ और किसी कमेंट के का जवाब देती हूँ, जब मैं किसी मेल का जवाब देती हूँ, तो मुझे ऐसा लगता है कि मैं कनेक्ट कर रही हूँ डिफरेंट सोल्स से। और मैं कनेक्ट कर रही हूँ जो मेरा अपना नेचर है, जो मेरा इनर बीइंग है, दूसरे इनर बीइंग से मिल रहा है। और अचानक से मेरी भी वाइब्रेशंस हाई हो जाती है। ऐसा नहीं कि सिर्फ आप लोगों की वाइब्रेशंस हाई होती है, मुझे भी अच्छा फील होता है, मुझे भी बहुत खुशी मिलती है जब मैं मेरे नॉलेज के थ्रू, इन्फॉर्मेशन के थ्रू आप लोगों की मदद कर पाती हूँ। सो अभी ना हरप्रीत कौर का मुझे एक मेल आया, एकदम से नोटिफिकेशन आया। अच्छा हरप्रीत, मुझे आपका ये नोटिफिकेशन आया, ठीक है, कि दी प्लीज़ रिप्लाई करें। लेकिन जो पहला वाला जो आपने मेल किया था ना, उसका नोटिफिकेशन मुझे नहीं मिला। और पता नहीं क्यों मुझे ऐसा इंट्यूशन आया कि जब मैं मेल खोलूं, जब मेरा अंदर से मन करेगा या मेरा इंट्यूशन आएगा कि मुझे अब आपका जवाब देना है हरप्रीत, तो मैं आपको ज़रूर दूंगी। मैं ये नहीं चाहती हूँ कि मैं कोई मैं उस वाइब्रेशन में ना रहूं और आपको एक ऐसा जवाब दे दूं जो आपके फायदे में ना आए, राइट। तो मैं कोशिश करूंगी कि जब मेरे वाइब्रेशंस हाई हो, जब मुझे अंदर से इंट्यूशन आए कि अब मुझे जवाब देना है हरप्रीत को, तो हरप्रीत को मैं जवाब दूंगी। तो हरप्रीत थोड़ा सा ना सब्र करो, पेशेंस रखो, मैं ज़रूर दूंगी आपका सवाल का जवाब। क्योंकि मैं हमेशा हर किसी के सवाल का जवाब तभी देती हूँ जब मेरे इंट्यूशंस अंदर से मुझे ऐसी फीलिंग आती कि नहीं, अब इस चीज़ का जवाब देना चाहिए और इसका जवाब ये है, ठीक है, समझ रहे हो। वो जो है ना एक कनेक्शन, जो मेरा यूनिवर्स के साथ जो स्पेशल कनेक्शन है, एक्चुअली उस वक्त मैं नहीं बात कर रही होती हूँ या मैं नहीं लिख रही होती हूँ, वो यूनिवर्स आपसे बात कर रहा होता है, आपके मेरे थ्रू, मेरे चैनल के थ्रू वो आपसे बात कर रहे होते हैं, ठीक है। तो थोड़ा सब्र करो। अभी वो इंट्यूशन मुझे आया नहीं है। यूनिवर्स ने कहा है कि थोड़ा देर वेट करवाओ हरप्रीत को और कहो जो भी परेशानी है वो खत्म हो जाएंगी, हरप्रीत कोई परेशानी नहीं रहेंगी, जो भी इश्यूज है तुम्हारे सॉल्व हो जाएंगे, रिजॉल्व हो जाएंगे। लेकिन थोड़ी सी पेशेंस रखो और पॉजिटिव रहो, हैप्पी रहो तब तक के लिए। ओके, अब आते हैं एक बहुत ही बहुत दिनों से, आई थिंक जब से मैंने होपोनोपोनो प्रेयर का एक ऑडियो डाला था, उसके ऊपर एक वीडियो डाला था कि किस तरीके से मैंने मनी हीलिंग करके अपने इनकम को बढ़ाया था, सोर्स ऑफ इनकम्स को बड़े मल्टीपल सोर्सेज ऑफ इनकम्स को अट्रैक्ट किया था अपने लाइफ में। तो मैं ना वहां से लेकर अभी तक मुझे बहुत सारे मेल्स आए, मुझे बहुत सारे सवाल जवाब आए। कुछ लोगों ने पूछा कि दी, क्या हम होपोनोपोनो प्रेयर जो है वो क्या मैं मल्टीपल चीज़ों के लिए कर सकते हैं। दूसरा आया था कि क्या मैं ये अपने रिलेशनशिप को हील करने के लिए कर सकता हूँ। किसी ने पूछा जॉब मैनिफेस्ट करने के लिए कर सकते हैं क्या। किसी ने पूछा कि दी, इसको क्या होपोनोपोनो प्रेयर आप अरेंज मैरिज के लिए बनाइए। किसी ने कहा कि मेरे स्पेसिफिक पर्सन को अट्रैक्ट करने के लिए आप होपोनोपोनो प्रेयर बनाएंगे। तो ऐसे कई ही सवाल है और उन सभी सवालों का ना एक सिंपल सा जवाब है जो मैं आज इस वीडियो में आप लोगों के साथ शेयर करने वाली हूँ। क्योंकि मुझे 3 दिन से इंट्यूशन आ रहे थे और कल किसी ने मुझे कमेंट किया कि दी, आप मुझे बताइए कि होपोनोपोनो प्रेयर जो है वो किस तरीके से की जाती है, क्या बेसिक चीज है, उसका बेसिक आइडिया क्या है। तो आई एम हियर टू आंसर दैट क्वेश्चन। और बाकी जितने भी डाउट्स हैं ना आपके रिलेटेड टू होपोनोपोनो प्रेयर,
वो सारे डाउट्स आज क्लियर हो जाएंगे कम्प्लीटली। अच्छा, मैं ना आपको होपोनोपोनो प्रेयर जो है ये एक स्पिरिचुअल प्रेयर है, एक हवाइयन प्रेयर है, तो मैं उसके हवाले से नहीं बात करूंगी आप लोगों के साथ। मैं किस हवाले से बात करूंगी, एक साइंटिफिक वे से बात करूंगी, ताकि आपको तो ये पता है कि हीलिंग प्रेयर है। हीलिंग प्रेयर का मतलब क्या होता है, वो आपको हील कर रही है, आपके सारे एरियाज ऑफ लाइफ को हील कर रही है। इतना तो नॉलेज, मतलब इन्फॉर्मेशन सभी के पास है, तभी उसको हम लोग हीलिंग प्रेयर बोलते हैं। कायदे से देखा जाए ना, तो जो हीलिंग प्रेयर है आपकी होपोनोपोनो प्रेयर की, तो ये बहुत लंबी प्रेयर है, लेकिन लोगों ने क्या किया, इसका शॉर्ट फॉर्म, ब्रीफ फॉर्म लाके लोगों ने यूट्यूब पे डाला, लोगों ने इसके बारे में बात की, और ये चार सेंटेंसेस ही है जो होपोनोपोनो प्रेयर को समराइज करते हैं। क्या है, आई एम सॉरी, प्लीज फॉरगिव मी, थैंक यू, आई लव यू। ठीक है, अब आप ये किससे कह रहे हो, आप अपने इनर बीइंग से कह रहे हो, जिसको हम यूनिवर्स भी कहते हैं, जिनको हम आप उसको किसी भी तरीके का नाम दे दीजिए, आप गॉड बोल दीजिए, आप अल्लाह बोल दीजिए, आप भगवान बोल दीजिए, आप श्री कृष्ण बोल दीजिए, आप राम बोल दीजिए, आप कोई भी तरीके का नाम दे सकते हो, जो भी सुप्रीम पावर है, हायर पावर है, जो भी यूनिवर्स आप है, जिनको भी आप मानते हो, आप ये सारी बातें उनसे कर रहे हो। और जब आप ये सारी बातें उनसे कर रहे हो, तो ये चार सेंटेंस बार बार रिपीट कर रहे होते, तो क्या होता है ना, वो आप उनसे पहले तो आप आई एम सॉरी किन चीज़ों के लिए मांग रहे हो वो आपको पता होता है कि आप किस चीज़ के लिए मांग रहे हो। ठीक है, कोई भी इंटेंशन सेट करके आप एक बार बैठ जाइए और आप उस चीज़ के लिए माफ़ी मांग सकते हैं। पैसों को आप दिमाग में रख के विजुलाइज करके आप पैसों से माफ़ी मांग सकते हो, ताकि पैसा जो रुका हुआ पैसा है या ब्लॉक्ड मनी है या पैसों की इनकम आपको बढ़ानी है, जो मैंने की थी, पैसों की इनकम बढ़ानी थी, तो मैंने वो चीज़ करके पैसों को विजुलाइज किया था, और फिर पैसों से मैंने ऐसे बात की थी जैसे मैं अपने दोस्त से बात कर रही हूँ, ठीक है, जो सामने बैठा है, और मैं उससे कह रही हूँ आई एम सॉरी, प्लीज फॉरगिव मी, मुझे माफ़ कर दीजिए। ठीक है, थैंक यू, थैंक यू किस लिए, कि आपने मुझे माफ़ कर दिया, हर चीज़ को हम दोनों के बीच में सेटल डाउन कर दिया, थैंक यू, आई लव यू। ठीक है, ये होता है, आई एम सॉरी, प्लीज़ फॉरगिव मी, थैंक यू, आई लव यू, आई लव यू, क्योंकि आप लव वाइब्रेशन भेजते हो, तो क्या होता है, लव एक ऐसा इमोशन है, एक ऐसा वाइब्रेशन है, जो कितने भी बुरे रिश्ते क्यों ना हो, उसको हील कर देता है, वो दो चीज़ों को जोड़ने का काम करता है, फेविकॉल का काम करता है लव। ओके, तो ये हो गई हवाइयन प्रेयर, ये हो गया स्पिरिचुअल पाथ से, अगर आप पॉइंट ऑफ व्यू से लेकर चलो तो ये वो हो गया। अब आते हैं साइंटिफिक पॉइंट ऑफ व्यू से। साइंटिफिक पॉइंट ऑफ व्यू से मैंने ना एक बार एक वीडियो बनाया था, जिसमें मैंने बताया था कि वाटर में, मतलब दो तरह के ग्लासेस ऑफ वाटर रखे गए थे, एक को अब्यूज किया गया था, एक को अच्छे वर्ड्स बोले गए थे, तो जिनको अब्यूज किया गया था, जिनको अब्यूजिव वर्ड्स बोले गए थे, खराब शब्द बोले गए थे, तो क्या हुआ था, उसकी वाइब्रेशन लो हो गई और पानी काला पड़ गया, और दूसरा जो है, जो साफ जो पानी था वो साफ इसलिए रहा क्योंकि उसको हमेशा लव वाइब्रेशंस भेजी गई। लव वाइब्रेशन किस तरीके से भेजी गई, अच्छी अच्छी बातें बोल के, अच्छी अच्छी चीजें बोल के। ठीक है, तो ये एक साइंटिफिक प्रूफ, एक रिसर्च की गई थी, किसी जापानीज साइंटिस्ट ने ये किया था, और तब से उनका जो है ये जो कहते हैं ना चला आ रहा है, लोगों को समझ में आया कि वाइब्रेशंस के कितने इफेक्ट होते हैं। अच्छा, मैं ना आपको एक अपना पर्सनल एक्सपीरियंस बताती हूँ, और आप पता नहीं आप कितने लोग इस चीज को मानोगे नहीं मानोगे, लेकिन ये मेरी आंखों देखी बात है, और एक बार की बात है, नहीं है, ये मेरे ख्याल से हर दफा जब भी हमारे घर में आयते करीमा करके एक प्रेयर होती है, ठीक है, जिसमें कई लोगों को बिठाया जाता है, और कई दिनों तक, मतलब 3 दिन कोई करता है, कोई 5 दिन करता है, कोई 7 दिन करता है, कोई 9 दिन करता है, और कंटिन्यूसली पता है आयते करीमा पढ़ा जाता है, और जब आयते करीमा एक क्या बोलेंगे, एक स्टेटमेंट है जो कि बार बार रिपीटेडली पढ़ा जाता है, छोटी सी एक प्रेयर है जो कि इसलिए की जाती है ताकि जो भी बला परेशानी है, जो भी काम रुके हुए हैं, वो सारे काम हो जाए, जितना मुझे नॉलेज है। ठीक है, मैं इतनी नॉलेजेबल नहीं हूँ व्हेन इट कम्स टू रिलीजन एंड ऑल, तो ये जो चीज़ें होती है ना, ये तब की जाती है। उसी तरीके से जब आप मैंने ये भी सुना है कि जब जो मुकेश अंबानी है, रिलायंस में जो भी लोग काम करते हैं, अगर आपके आसपास के लोग भी रिलायंस में काम करते हैं, उनसे आपने ये कहानी जरूर सुनी होगी कि उनके एक विशाल मंदिर उन्होंने बनाया है अपने ऑफिस एरिया में, और वहाँ कंटिन्यूसली मंत्र जाप किया जाता है। अब मंत्र जाप हो या आप आयते करीमा बोल दो या कोई भी रिचुअल का कोई भी एक
फ्रेज बोल दो या कोई भी पावरफुल वर्ड्स की सेंटेंस बोल दो, आप जब बोलते हो रिपीटेडली बोलते हो तो क्या होता है, उसकी वाइब्रेशन, उस जगह की वाइब्रेशन इतनी हाई हो जाती है कि कोई भी नेगेटिव चीज़ आपके सामने आती है तो वो भस्म हो जाती है, वो वैनिश हो जाती है। ठीक है, तो मेरा एक्सपीरियंस क्या था पता है उस वक्त, और मुझे ये सब चीज़ों के बारे में नहीं पता था, मैं बहुत छोटी थी, तो ऐसा होता था ना जब भी हमारे घर में वो रिचुअल किया जाता था या वो चीज़ की जाती थी, मेरी मदर हमेशा ये सब चीज़ों में ज़्यादा इन्वॉल्व रही है और वो करती थी ये चीज़ें, तो जब भी ये चीज़ें होती थी ना हमारे घर में, तो मैंने एक चीज़ देखी थी कि जो चावल होता है, जिस मतलब चावल को बीच में रखा जाता था और ये स्टेटमेंट को बार बार रिपीट किया जाता था, इस प्रेयर को बार बार जोर जोर से बोला जाता था, वो उस वक्त इतनी वाइब्रेशन हाई हो जाती थी कि हमने लिटरली देखा है कि चावल के ऊपर अल्लाह लिख कर आता था और वो चीज़ कोई नहीं लिखता था, वो चावल अनटच्ड रहते हैं, जितने दिन आपको करना है उतने दिन वो चावल को अनटच रहते हैं, मतलब सोचो इतना वाइब्रेशन हाई हो जाता है कि वहाँ पे आपके जो सुप्रीम पावर है जिन पे आप बिलीव करते हो वो चीज़ लिख कर आती थी। तो मेरा बोलने का मतलब ये है कि पावर जो है वर्ड्स में इतना ज़्यादा पावर है कि आप यकीन नहीं मान सकते हो, बहुत लोगों को लगेगा अरे क्या फेकम फाकी है, क्या झूठ बोल रही है, लेकिन ये मेरी आंखों देखी बात है और इसी वजह से मेरा जो बिलीफ सिस्टम है गॉड पे, अल्लाह पे या भगवान जी पे, जो भी मेरा बिलीफ सिस्टम है, जो यूनिवर्स पे मेरा बिलीफ सिस्टम है, वो इतना ज़्यादा स्ट्रांग है जस्ट बिकॉज मैं ऐसे बैकग्राउंड से आई हूँ और मुझे ये सारी चीज़ें पता है, है ना। तो जो लोग इस बैकग्राउंड से नहीं है उनके लिए शायद ये वियर्ड साउंड करे कि अरे ऐसा थोड़ी ना होता है, अगर आपके साथ भी ऐसा कुछ हुआ है ना प्लीज कमेंट सेक्शन में जरूर डालना, वो इसलिए डालना क्योंकि हो सकता है हम लोग एक दूसरे की बातें सुन सुन के हमारे वाइब्रेशन तो हाई होंगी लेकिन हमारा जो ट्रस्ट लेवल है और जो बिलीफ सिस्टम है हमारा, जो फेथ है सुप्रीम पावर पे, हायर सेल्फ पे हमारे, वो और ज्यादा हाई हो जाए क्योंकि सारा खेल फेथ का है, सारा खेल ट्रस्ट का है। ठीक है, तो ये चीज़ है। तो ये जो प्रेयर भी है ना, हीलिंग प्रेयर, जो हम हवाईयन प्रेयर जो आजकल बहुत ट्रेंड में हो, पोनोपोनो प्रेयर, तो ये प्रेयर भी उसी के मुझे लगता है कि वो जो वर्ड्स है, जो सेंटेंसेस यूज हो रहे हैं, चार सेंटेंसेस, वो इतने पावरफुल है कि वो आपके अंदर में, जो शरीर में आपके पानी है, जो टिश्यूज है, जो सेल्स है, जो भी है आपके बॉडी में, वो उसको वाइब्रेशन इतना हाई कर देता है कि वो ऑटोमेटिकली जो चीज़ें खराब भी चल रही है आपके बॉडी में वो हील होने लगती है। और ये एक दिन में किसी किसी को हो जाता है, डिपेंड अपॉन कितना आपका ट्रस्ट है उस चीज़ पे या उस चीज़ को वक्त लगता है। लोग कहते हैं ना हो पुनो पुनो प्रेयर कर रहे थी तो मेरे रिलेशनशिप खराब हो रहे हैं या मेरी चीज़ें खराब हो रही है, चीज़ें बिल्कुल उलट पुलट हो रही है। ऐसा अगर हो रहा है ना तो आप सही राह पे हो। मैक्सिमम लोगों के साथ ऐसा होता है और होना भी चाहिए क्योंकि जब आप अगर गंदे पानी में, अगर आप मान लीजिए कोई गंदा पानी है, ठीक है, अगर आप उसमें हलचल मचाओगे ना, कभी हम लोगों को एक बार ना एक आप फिर बोलोगे कि फिल्टरेशन का एक टेक्निक था जो हम लोगों को पढ़ाया जाता था स्कूल में, और हमारे स्कूल का ऐसा था ना कि जो पिकनिक विकनिक का सिस्टम थोड़ा कम था उस जगह पे कॉन्वेंट स्कूल में, तो वो क्या करते थे, जो भी टेक्निक पढ़ाते थे वो जगह पे ले जाके वो चीज़ को बच्चों को आंखों देखी दिखाते थे और फिर उस चीज़ पे पढ़ाते थे, तो वो चीज़ क्या होते थे आपके दिमाग में छप जाती थी, राइट। तो ऐसे ही फिल्ट्रेशन का भी था। तो जब पानी जब फिल्टर होके आता था, जो सप्लाई होता है हम लोगों का पानी, ये जो है ये सब फिल्टर्ड पानी होता है, ये पूरा साफ होके, ये गंदा पानी साफ होके आपके पास आता है। तो जब आप वो फिल्ट्रेशन टेक्निक या वो मशीन देखोगे ना, उसमें जो पानी होता है ना, वो इतनी बार उसको हलचल मचाई जाती है, एक सिंपल लैंग्वेज में अगर मैं बोलूँ, उसमें इतनी हलचल मचाई जाती है कि जितना गंदापन होता है ना, भले वो दिख नहीं रहा होता है लेकिन जितना भी जो हम लोगों को लगता है ना साफ पानी है, वो भी पानी के अंदर इतनी इम्प्योरिटीज़ होती है कि वो ऊपर आने लगता है और अचानक से क्या होता है, इतना वो मशीन में वो घूमता है, बड़ी 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 मशीनें होती है, घूमता है और फिर क्या होता है, वहाँ से वो साफ होके बाहर निकलता है। द सेम वे हो पुनो पुनो प्रेयर भी आपके साथ यही काम कर रही है। वो क्या कर रही है आपके साथ, आपके अंदर की जितनी भी गंदगी है, जितनी भी नेगेटिविटी है, जितने भी ब्लॉकेजेस है ना, वो उसको निकाल रही है। तो अगर आपके साथ कुछ बुरा भी हो रहा है ना, तो घबराओ नहीं, खुश हो जाओ, इत्मीनान रखो, ये आप सही डायरेक्शन में जा रहे हो। ठीक है, तो ये डाउट क्लियर हो गया। अगर कोई गलत भी हो रहा है आपके साथ, तो आप ये चीज़ अगर हो रही है तो घबराओ नहीं, कंटिन्यू करते रहो। ये आपको इनर चाइल्ड जो हीलिंग बोलते हैं ना, ये एक्चुअली में आपके साथ हो रहा है। और ये एक बार हो जाता है ना,
आप अगर अपने अंदर से आप सब साफ हो जाते हो ना, तो ऑटोमेटिकली जो मटेरियलिस्टिक चीजें आपने मैनिफेस्ट करनी है, वो जॉब हो, पैसा हो, रिलेशनशिप हो, या कोई भी चीज हो, जो बाहरी चीजें आपको मैनिफेस्ट करनी है, वो धीरे 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 मैनिफेस्ट होती है। क्यों होती है? क्योंकि आपके वाइब्रेशन हाई हो जाते हैं, अगेन वो आप वोर्टेक्स में चले जाते हो। वोर्टेक्स में जब जाते हो तो ऑब्वियसली कोई भी चीज जो आपने मांगी है वो आपको दिन पर दिन आपके पास वो आती जाती है, आपके लैप पे गिरती जाती है, गोद में गिरती जाती है। ठीक है, तो ये हो गया एक डाउट क्लियर। दूसरा डाउट कि आप मल्टीपल चीजों के लिए कर सकते हैं क्या? आप मल्टीपल चीजों के लिए कर सकते हैं और ये होता है। कई दफा हम लोगों ने देखा है कि हम लोग जब मैंने पैसों के लिए रिलेशनशिप के लिए सॉरी पैसों के लिए मैंने जब किया तो मेरे रिलेशनशिप्स भी हील हुए, साथ ही साथ मेरे साथ ये हुआ कि मेरा जो क्या कहते हैं इसको, मेरे जो हेल्थ इश्यूज थे, जैसे कि मेरा हाइपर एसिडिटी का इश्यू था, एक हाइपर एसिडिटी के ऊपर भी सवाल आया था, तो हाइपर एसिडिटी का जो इश्यू था वो भी मेरा क्लियर हुआ। उस इंटेंसिटी से नहीं क्लियर हुआ, मैं झूठ नहीं बोलूंगी आप लोगों को, क्योंकि मैंने ये 3-4 दिन ही किया था, तो उस इंटेंसिटी से नहीं हुआ, लेकिन उसकी इंटेंसिटी इतनी कम हो गई कि अब जो चीज हर महीने 15 दिन में हफ्ते में हो रही थी ना, वो चीजों की इंटेंसिटी अब इतनी बढ़ गई कि अब मुझे 6 महीने में 7 महीने में एक बार होती है। ठीक है, तो ये इतना फर्क आ गया है। ठीक है, दूसरी चीज, जब भी आप हीलिंग प्रेयर बोलते हो तो आपके अंदर एक जो बोलते हैं ना, एक नेगेटिविटी हट के जो पॉजिटिविटी आती है, तो आपके वाइब्रेशंस ऑटोमेटिकली हाई हो जाते हैं, और जब हाई हो जाते हो तो आप इनर बीइंग से अपने कनेक्ट हो जाते हो, और जब कनेक्ट हो जाते हो तो क्या मतलब मैजिक ही मैजिक है फिर लाइफ में आपके। जो भी मिराकल्स हम लोग देखते हैं, हम लोग कहते हैं यार ये तो मैंने सोचा ही नहीं था कि ये चीज हो जाएंगी, अरे ये कैसे हो गया, ये कैसे हो गया, तो ये जो जितने भी मिराकल्स आपके लाइफ में हो रहे हैं, मैनिफेस्टेशन मिराकल्स, तो ये सारे जो है ये सब उसी की बदौलत है, क्योंकि आप अपने आप से अंदर से हील हो रहे हो। ठीक है, तो ये सारी जो चीजें हैं होपोनोपोनो प्रेयर की। अच्छा हाँ, एक और सवाल है फिर, मैं तो कोई ना कोई पूछेगा मुझे कि दी कैसे करनी है। आपको जरूरी नहीं है कि कोई ऑडियो लगा के बैठ जाओ, आप एक मेडिटेटिव पोज में बैठो, पहले अपना बैक स्ट्रेट रखो, रिलैक्स कर लो अपनी बॉडी को, स्कैन करके आप रिलैक्स कर सकते हो, या ब्रीथ पे अपने ब्रेथ पे आप फोकस करके रिलैक्स कर सकते हो, या आपका एक कोई तरीका है तो आप उस तरीके से अपनी बॉडी को रिलैक्स कर लो बिल्कुल कम्प्लीटली। जब आप रिलैक्स हो जाते हो, आप पूरी तरीके से शांत हो जाते हो, तब ये जो चैंटिंग है, ये एक्चुअली में एक चैंटिंग है। ठीक है, तो ये चैंटिंग आप स्टार्ट करो, आई एम सॉरी, प्लीज फॉरगिव मी, थैंक यू, आई लव यू। तो ये जो चैंटिंग है, जो भी इंटेंशन से आप बैठे हो उस चीज को सामने रख कर आप ये चीज को बोलो। ठीक है, और इस चीज को बोलने के बाद आप देखना कि कुछ दिनों बाद आपको वो फीलिंग भी, एक ने पूछा था कि दी मुझे फीलिंग नहीं आ रही है, तो वो भी धीरे 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 आती है, क्योंकि अभी तक क्या है ना, आपके इमोशंस इतने ब्लॉक्ड है कि आपको समझ ही नहीं आ रहा कि कौन से इमोशंस अराइज हो रहे हैं, या आप इमोशनलेस क्यों फील कर रहे हो। रीजन इज क्योंकि आपके अंदर ब्लॉकेजेस उतने ज्यादा है, तो उसको कंटिन्यू करते रहो जब तक कि आप अंदर से वो फीलिंग ना आए कि यार अब मैं हील हो गई हूँ या हो गया हूँ, तब तक कि ये प्रेयर आप कंटिन्यूसली करते रहो। और इसे रोज करने में भी कोई बुराई नहीं है, क्योंकि इससे इनर चाइल्ड हीलिंग भी होती है, आपका मैनिफेस्टेशन भी फास्ट होता है, आप पॉजिटिव भी रहने लगते हो, आप खुश रहने लगते हो। हैप्पीनेस का मेन रीजन, जो लोग अनहैप्पी है अपने लाइफ में, लोगों को जज कर रहे हैं, लोगों को ट्रोल कर रहे हैं, लोगों को क्रिटिसाइज कर रहे हैं, बहुत लोग होते हैं ये सब करते हैं, तो जब आप ये चीजें कर रहे होते हैं ना, तो एक्चुअली में आप क्या कर रहे हैं, वो ऑरेंज वाला याद है ना, स्क्वीज हो रहा है, प्रेशर पड़ रहा है, तो ऑरेंज जूस ही निकलता है उसमें से, राइट। द सेम वे जब आपके ऊपर प्रेशर आता है, आपको जब लगता है कि यार ये चीज तो उसके साथ हो रही है, मेरे साथ नहीं हो रही है, या किसी भी रीजन से आप इरिटेट हो रहे हो, फ्रस्ट्रेट हो रहे हो, एंग्री हो रहे हो, गुस्से में आ रहे हो, तो गलती आगे वाले की नहीं है जो आपको प्रेशर डाल रहा है, गलती क्या है, आपके अंदर छुपे वो इमोशन से वो बाहर निकलना चाह रहे हैं। तो आपको ग्रेटफुल होना चाहिए उस इंसान के थ्रू कि भाई तुम्हारे थ्रू ही सही, लेकिन मेरे अंदर से ये इमोशन रिलीज हो गया है। ठीक है, तो जब भी कोई प्रेशराइज हो आप किसी भी रीजन में, किसी भी सिचुएशन में, मेक श्योर कि आप ग्रैटिट्यूड शो करो भाई उस इंसान को कि थैंक यू सो मच कि मेरे अंदर से तुमने ये जो ब्लॉक्ड एनर्जी थी, ब्लॉक्ड इमोशनल एनर्जी थी, वो तुमने रिमूव कर दी, थैंक यू सो मच। ठीक है, सो विद दिस नोट आई होप कि मैंने सारे सवालों के जवाब आपके बराबर दिए होंगे। विद दिस नोट आई विल टेक साइन ऑफ, बाय बाय।